नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि उनका सितंबर का मंथ कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस मंथ, साथ ही साथ कौन से ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं और चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। देखिए, जो सितंबर का मंथ है ना, वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही सौभाग्यवान है, कह सकते हैं सौभाग्य साथ लेकर आ रहा है। चीज़ें बहुत हद तक आपकी बेटर हो सकती हैं, चीज़ों में आपको एक नया मुकाम हासिल होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आपके तरक्की के कह सकते हैं नए नए आयाम खुलते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो कुछ ना कुछ आप नई चीज़ों को ऐड ज़रूर करें अपनी प्रोफाइल के साथ। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं, तो कोशिश करें कोई छोटा मोटा बिजनेस करें, या फिर कोई अगर आप टेक्निकल लाइन के अंदर, तो कोई नई निश स्किल को सीखें। कुछ ना कुछ अगर आप नया सीखते हैं, तो चीज़ें आपकी बहुत हद तक बेटर हो सकती हैं। देखिए, अगर मैं सेकेंड चीज़ की बात करूँ आपकी लव लाइफ़ की, तो लव लाइफ़ आपकी जो है वो बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं इस मंथ। हो सकता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए और आपका पार्टनर उस बात को बहुत लंबे समय तक खींचता चला जाए, तो कोशिश करें कि अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा लगा कर रखें और चीज़ों को थोड़ा सा पोलाइटली हैंडल करें। देखिए, इस मंथ हो सकता है कि आप अगर शेयर मार्केट के अंदर हैं, तो आपको शेयर्स में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड से रिलेटेड, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बात करूँ हेल्थ इश्यूज़ की, तो हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकता है कि इस मंथ आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। आपको हो सकता है पाँव से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो कोशिश करें अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें। थोड़ा सा ट्रैवल भी इस मंथ में दिखाई दे रहा है, आप ट्रैवल अगर करना चाहते हैं, थोड़ी सी सावधानियाँ लेकर जाएँ, क्योंकि थोड़ी सी चोट चपेट लगने के थोड़े से चांसेस इस मंथ में बनते हैं। ओवरऑल ये मंथ आपको बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक बहुत अच्छी बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो सितंबर का मंथ है, ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर मैं रेमेडी की बात करूं कि आपको इस मंथ कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिसको करने से आपकी चीज़ें बेटर हो जाएं, तो देखिए, आपको इस मंथ किसी भी सरस्वती माता के मंदिर में जाकर, वहां पर जाकर आप सरस्वती जाप कर सकते हैं। आप सरस्वती माता को वाइट चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, किसी भी वाइट चीज़ का भोग लगाएं, और फिर देखें आपका सितंबर का मंथ कितना अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।